What's up guys, welcome back to the another video. और guys, आज हमारे साथ होने वाले हैं जेस भी, और इनका चैनल पे वीडियो आने से पहले ही गाइज ये हमारे गिल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और जो बंदा इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाता है तो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट जरूर रहता है या फिर कुछ यूनिक कर रहा है। तो गाइज जो यहाँ पे जेस भी में यूनिक है वो मेरे को लग रहा है अपने इंडियन स्टोर में बहुत ही लिमिटेड ही बंदे हैं जो जेस भी की तरह शॉर्ट गन चलाते हैं 1v4 1v3 में। पहले तो कोई शॉर्ट गन लेने का ट्राई नहीं करता शॉर्ट गन से वन टैप 1v4 या 1v3 में, बट आज हम लोग देखने वाले जेस भी का 1v4 गेम प्ले कैसा ये खेलते हैं। और गाइज इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जाके प्यार बरसा देना। और गाइज आज लोग मैं बता देता हूं कि यार अगर ये वीडियो 24 में आता है या फिर हो सकता है 25 में भी है, तो गाइज 24 को तूफान और स्टार दोनों का बर्थडे है, तो आप लोग विश जरूर कर देना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और लाइक एम रहने वाला है गाइज 80K लाइक्स, तो सारे बंदे एक साथ लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज सेकंड चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी हम लोग लाइव करते हैं, गिल्ड स्ट्रीम्स होती रहती है, तो लेट्स गो भाई। पहले ही राउंड में इंटरनेट यहाँ पे गया हुआ है, इंटरनेट नहीं बट आजकल इम्यूलेटर बहुत ज्यादा क्रैश हो रहे हैं, लेट्स सी। और जेस भी की बात कीजिए तो पीसी प्लेयर है गाइज यहाँ पे जरूर कर रहे हैं, आई थिंक कनेक्ट हो रहे हैं, बट मेरे को लग रहा है शायद यहाँ पे और दोबारा से इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम, और गाइज गई भैंस पानी में मतलब गाइज तो नहीं है। अरे ये क्या चल रहा है भाई पीछे, तो देखने वाले भाई। शुरुआत में तो बड़ा ही गाइज बड़ी ही दुखदायी शुरुआत हुई है, पहले राउंड गवा चुके हैं वो, वैसे भी 1v4 है, तो क्या ये राउंड मैटर करने वाला है या फिर नहीं करने वाला है। ओबे ये क्या था भाई, एक और बंदे को हेडशॉट, ये भाई 444 आ गए क्या सर फॉर्मर्स से यहाँ पे, वो भी सेकंड राउंड में। मेरे को लगे यहाँ पे यूएमपी वगैरह लेंगे कुछ, ये भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ भाई, पहले ही राउंड में इसने तो फोड़ दिया भाई फॉर्मर्स से यहाँ पे, एक लास्ट प्लेयर बचे और उसको भी हेडशॉट, क्या करके रहेगा भाई ये। जेसबी को देख लेते भाई, बहुत ही प्यारा हेडशॉट यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा दिख रहा है मेरे को, एक बंदे का अभी दूर से सपोर्ट दे रहा है बट उसको यहाँ पे हेडशॉट लगा दिया जेसबी ने, तीन प्लेयर अभी भी यहाँ पे बचे हैं भाई, क्या वामस चला रहे भाई। ओके हियर वी गो, सामने वाले प्लेयर भी आई थिंक मेरे को लग रहा है फामस, बट एक और यहाँ पे रेड नंबर, रेड नंबर से यहाँ पे बात की जा रही है, दो प्लेयर्स को यहां पे रोक कर चुके हैं। ओके चलिए भाई लोग इस बार थोड़ा सा हम लोग देखने के लिए मिला है भाई, येलो ट्राई तो जरूर कर रहे हैं और चला सिर्फ एक दो गोली रहे हैं। फर्स्ट ब्लड टन टन, अरे भाई जल्दी को देखते हैं भाई दोनों प्लेयर्स। ओके हाँ अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई जैसे हम लोग खेलते हैं नॉर्मल बंदे वैसे जैस भी खेल रहा है, बट स्टार्टिंग जो जो यहाँ पे शुरुआत की है भाई वो काफी जबरदस्त, यहाँ पे अलग ही लेवल। क्या यहाँ पे इन लोगों को भी यहाँ पे रेड रेड मारने वाले M10 है यहाँ पे, यार क्या बोलू भाई क्या गंदा मार फेमस है, मैं तो कभी देखा ही नहीं यार, मैं तो बोला हूँ शॉटगन अच्छी चलाते है बंदा, बड़े बंदे तो फार्मा चला रहे। लो भाई इसको भी रेड, यहाँ पे एक लास्ट प्लेयर बचे हैं, और लास्ट प्लेयर यहाँ पे वन टैप ट्राई किया था कनेक्ट नहीं कर पाया, स्कोर हो चुका है 1-2, काफी प्यारी यहाँ पे चला रहे गए भाई, लग रहा है मतलब जैस भी ना मेरे को गलत साबित करने में लगा हुआ है भाई, क्योंकि मैं तो मेरे को पता है शॉर्ट गन अच्छी चलाता है, बट भाई शॉर्ट गन ले लिया इस बार और शॉर्ट गन से आ चुके हैं यहाँ पे गेम में। यार मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा राउंड यहाँ पे शॉर्ट गन से निकाले भाई, क्या गजब शोर लगाया भाई। क्या होने वाला है भाई, बिल्कुल भी भाई लग रहा है वो फार्मा से ही डर गए भाई, सामने वाले बंदे कवर बहुत ही कम दे रहे हैं भाई, एक शॉट लगाया और एक और अगर शॉट पड़ गया तो बाय बाय बोलना पड़ सकता है, काफी इजी था ये वाला, मिस जरूर हुआ रिकॉइल किया, बट जो इस बार एक शॉट लगाया ये वाला लगी लेवल था भाई। ओके पता नहीं मेरे को डर लग रहा है, जब भी जेस भी और स्मूथ खेलते हैं ना तभी मेरे को लगी लेवल का डर रहता है भाई, कितना गंदा मारने वाले हैं भाई। एक और प्लेयर को 126 और बहुत ही प्यारा लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचा, बट वो वाले बंदों को भी खतरनाक दिया था
और फाइनली गाइज फाइनली एक बॉडी शॉट हम लोग देखने के लिए मिला, क्योंकि यार इतने हेड भाई कौन मारता है इतने हेड, वो भी एक मैच में, कोई हाईलाइट नहीं चल रही भाई। तो स्पीड के साथ यहाँ पे जा रहे हैं भाई, पहले ही वहां पे विराजमान है एक प्लेयर भाई शॉटगन से। ओके शॉटगन किंग भाई, दिखा दे किस लिए बोला जाता है शॉटगन किंग। दूर काफी दूर बजे, ओ भाई साहब बहुत ही प्यारा, पहले वाले प्लेयर को भी कंप्लीट हेडशॉट होता, बट कहीं ना कहीं वो रेंज से काफी ज्यादा दूर था। ठीक है भाई साहब गजब, दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ भाई शॉटगन ये तो कुछ भी नहीं है भाई। तुम्हारे इसने लाइव में तीन तीन बंदों को ऐसे ऐसे हेडशॉट लगाया भाई, तीन तीन यूट्यूबर्स को बैक टू बैक, एक बंदे को इधर, एक को इधर, एक के इधर। देखते क्या कोई ऐसा क्लच अभी यहाँ पे आज करने वाले है क्या। दो ब्लेड्स को शॉटगन के यहाँ पे नॉक डाउन कर चुके हैं, ओनली रेड यहाँ पे शॉटगन का है। अरे भाई भाई बचना होगा, ये दो शॉट से बचना होगा बस। ये होता है ना दो गुण जिंदगी के लिए, वैसे ही दो शॉट फ्री फायर के लिए खत्म भाई। क्या बोलू भाई इस बंदे के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं भाई। भाई वो भी शॉटगन यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या, इसको भी शॉटगन से फिनिश अप करने वाले चारों प्लेयर्स को, ओनली रेड विद शॉटगन, वो भी एक ही राउंड में भाई। भाई मेरे पास भाई वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं बचे भाई, लिटरली जब भी इस बंदे का मैं गेम प्ले देखता हूँ ना, मतलब नेक्स्ट लेवल लगता ही नहीं है भाई, ये बंदा इंडियन सर्वर का हो, क्या ही नेक्स्ट लेवल गेम प्ले है इस बंदे का। और शॉटगन से तो यार मैं बोलता हूँ पॉसिबल बहुत मुश्किल है भाई, शॉटगन से इस तरीके से खेलने, जिस तरीके से यहाँ पे जेसबी खेलता है एनर्जी आ जाती है जेसबी का गेम प्ले देख के, और अब और ज्यादा एक्साइटेड। बिल्कुल अभी तक एक भी राउंड का मौका नहीं दिया जीतने के लिए जी गाइस, एक भी राउंड यहाँ पे नहीं दिया है। ओके इस बार कुछ येलो नंबर जरूर हम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं। भाई M10 भी पीछे से देख रहे हैं क्या कोई प्लेयर यहाँ पे पीछे से भी फ्लैंक करके आ रहा है, या फिर इन प्लेयर्स के रन ने फ्लैंक यहाँ पे किया था, फ्लैंक करने गए थे लेकिन वापस आ चुके गए उधर से। अब इधर से बंदों को घुमा रहे हैं काफी, अरे भाई भाई टकराव हो जाता, बट उसके बाद यहाँ पे भाई मैं कभी नहीं थकने वाला हूँ इसका गेम प्ले देख के, क्योंकि जो ये शॉटगन के हेडशॉट एक और हेडशॉट यहाँ पे यार, गूज़बम्स आ जाएंगे भाई इस तरीके से मारेगा तू जेसबी यार, इतना एक्यूरेट कोई बंदा कैसे हो सकता है भाई लोग। पर आज से बात की जाए भाई एक और हेडशॉट अलग ही लेवल भाई 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 भाई, भाई। एक लास्ट फिर यहाँ पे बच्चे यूएमपी से जरूर ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे भाई, खतरा हो सकते हैं, प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं भाई लोग। जेसबी यार लास्ट वाले प्लेयर से कहीं ना कहीं प्लेयर जरूर खोक खाते हैं, बट यूएसपी से ट्राई करें, वो यूएसपी से भी हेडशॉट हैकर और व्हाट भाई व्हाट अ गेम, मतलब पहले राउंड में एलिमिनेट हुए उसके बाद पांच राउंड से आपे निकाल चुके भाई लोग, अमेजिंग लिटरली मैं बोलूं तो गाइस कल ही हम लोगों ने विंसन जो कि स्क्वाड के अगेंस्ट भी देखे हैं, जहां पे जेसबी ने निकाला था 1v3 That was amazing, superb. और आज जो मैं इनका वीडियो देख रहा हूँ जिसपे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो तो मतलब तहलका ही यहाँ पे मचा दिया भाई, स्टार्टिंग के पांच राउंड में धाराशाही यहाँ पे कर दिया अपोनेंट्स को। बार देख लेते भाई यूएमपी जरूरी है, बट ईडब्ल्यू आ चुके भाई सामने, सेलेक्ट सी, बट गाइस 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 पता नहीं क्या हुआ भाई, आई थिंक गेम ग्लिच भाई, 999 हो गए भाई भाई आ गया आ गया, बट अभी नॉक हुआ बंदा क्या हुआ कुछ समझ में मेरे को नहीं आ रहा है, और अभी कुछ नहीं हुआ, चलो थैंक गॉड गाइस कि कुछ भी हम लोगों ने मिस नहीं किया यहाँ पे। और जब भी रश कर दिया भाई ग्रेनेड भाई यार, मतलब यार हम लोग जू ही नहीं क्यों करते हो जब हम लोग खेल नहीं पाते हो भाई, प्रॉब्लम में दो अच्छी बच्चे सिर्फ यहाँ पे जस्ती, और डेजर्ट ईगल से फिनिश कर दिया, कहीं ना कहीं बंदे का जो माइंड है ना उसको जरूर चेंज कर देते हैं, बंदे ग्रेनेड चलाएंगे तो ऑटोमेटिक बंदे को रहेगा बस मेरे को भागना है यहाँ से, माइंड यहाँ पे जरूर चेंज होता है, और कहीं ना कहीं गाइस ग्रेनेड वगैरह डाल के थोड़ी सी लय में जरूर लय से जरूर भटकाना चाहते हैं यहाँ पे जेसबी को भाई, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है चारों प्लेयर्स को। ओके बैक ऑफ करता हुआ यहाँ पे जेसबी, चारों प्लेयर्स इस बार स्टैंडिंग जरूर बनाई है, फिर से ग्रेनेड यहाँ पे गाइस, अगेन 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 जेसबी को काफी पीछे जाना होगा जी गाइस, काफी पीछे जाना होगा, और M10 भी यहाँ पे रिलोड पे है, रिलोड हो चुकी है, काफी ज्यादा टाइम लेती है कभी कभी,
एक प्लेयर क्लोज में आए जरूर है। चलो थोड़ी शांति हम लोग देखने के लिए मिल रही है इस बार। ओके बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ सकते हैं, चारों प्लेयर जितना क्लोज आ जाएंगे उतना यहाँ पे मरने के ज्यादा चांसेस जल्दी को हो सकते हैं। भाई इतनी दूर भी क्या वन टैप मारता है भाई, यूएमपी से भी अच्छी चलाते हैं यहाँ पे छोड़कर। भाई बैश पूरा डैमेज हो चुका है गाइस, दे बॉडी दे बॉडी दे बॉडी पड़ चुकी है यहाँ पे। ओ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, पड़ सकते हैं। और गाइस यहाँ पे एम1 डबल एच ने फिनिश अप कर दिया कमबैक यहाँ पे करते हुए, स्कोर यहाँ पे हो चुका है 3-5। भाई मतलब पूरी तरीके से मेंटली हिला के रख दिया जस्बी को। ओके ब्रुदास देखते हैं गाइस यहाँ पे, आकाश यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आकाश के साथ यहाँ पे, लेकिन आकाश को डैमेज यहाँ पे जरूर बढ़ा है। जस्बी शॉटगन 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 ले लिए भाई इस बार। जी गाइस इस बार यहाँ पे शॉटगन है जस्बी के पास। ओके भाई भाई AWM BR 1v4 में इनको तो चखाना पड़ेगा मजा। इमोर्ड भी प्लस AWM यार, शॉटगन से एक तो ग्रेनेड का खतरा है, शॉटगन से आप लोगों को पता रेंज कितनी रहती है शॉटगन की, कितनी कम रहती है भाई। बट यूएमपी से भी यहाँ पे खतरनाक गेम प्ले करते हुए एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया, दूसरे प्लेयर को भी ऑलमोस्ट डैमेज कर दिया, बट फिर से ग्रेनेड और इस बार यहाँ पे डैमेज भी पड़ चुका है। लेट्स सी क्या होने वाला है भाई, पीछे से भी प्लेयर्स यहाँ पे रश कर चुके हैं। ये बड़ा फायदा है भाई कि लॉन्ग रेंज में भी आप लोग निपटा सकते हो, ज्यादा नहीं बट मिड रेंज एक तरह से बोलो। भाई दो प्लेयर्स को नॉकडाउन भाई, भाई क्या बोलो बोले, लास्ट वाले बंदे को ये नहीं पता भाई कहां से आने वाले। गाइस मैं बताऊं यार, लिटरली ऐसे मैचेस में मेरे को मजा बड़ा आता है, क्योंकि यार जब सामने वाले प्लेयर्स को मैं देखता हूँ ना कि वो अपना फुल ट्राई एवरीथिंग सारी चीजें लगा देते भाई। यार ये बंदा मेरे को एक दो बंदे लग रहे हैं जो फिर खेल रहे सामने से, ये बंदा अपने डेजर्ट ईगल पे विश्वास बनाए के रखा है। बट इसको देखो, ये देखो चमत्कारी बाबा को गाइस मैग लेके आ गया भाई। ओके भाई बहुत ही प्यारा नॉक, क्या जबरदस्त यहाँ पे खेल रहे, एक प्लेयर को नॉक कर चुके हैं। यूएमपी ओपी चलाते हुए शॉटगन तो यहाँ पे भाई छोड़ दिए जस्बी ने, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेनेड और जो कि बंदे लॉन्ग रेंज में बैठे हुए हैं कुछ। भाई भाई अटक गए बच गए गाइस यहाँ पे 1v4, ये क्या रिवाइव कर दिया भाई, चलेगा भाई चलो रिवाइव चलेगा, ग्रेनेड ना डालो रिवाइव चलेगा, देखते हैं तब तक क्या कुछ करते हो। ये कैसा शॉट था भाई, मतलब बंदा हवा में ही था और दूसरा बंदा यहाँ पे जंप ही कर रहा था, उसको भी हेडशॉट। क्या तीसरे प्लेयर को भी AWM है इसके पास, उसको टारगेट करना चाहिए जस्बी को, बट सामने वाले प्लेयर को भी हेडशॉट। भाई मैं तो उसको अलग ही लेवल बोलूंगा ऑलराउंडर, मतलब क्या गेम प्ले दिखा रहा है, क्या खेल रहा है यहाँ पे जस्बी। लेट्स सी एक लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचे और मेरे को लग रहा है इसी राउंड में यहाँ पे गेम खत्म करने वाले, बट स्ट्रिंग भी काफी ज्यादा क्लोज है। जी गाइस लेट्स सी भाई रिवाइव कर दिया, मैं तो ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं किया। ओके बट रिवाइव के बाद हेडशॉट, भाई कितना भी रिवाइव कर लो जस्बी के हेडशॉट से तो नहीं बचने वाले हो तुम लोग। लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचा है मैग जरूर है, ये गाइस मैग है बंदे के पास में, और यहाँ पे जो गाइस यहाँ पे मैच खत्म हुआ है वो हुआ है यहाँ पे बॉडी किल के साथ में, और देखते कितने किल्स यहाँ पे जस्बी ने किया, बढ़ चुके प्ले था वो नेक्स्ट लेवल था। जस्बी का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में आप लोग मिल जाएगा। लेट्स सी किल्स यहाँ पे 27 किल्स यहाँ पे किए, क्योंकि एक तरफा ही गेम रहा था, हम लोगों ने देखा था क्योंकि स्टार्टिंग में भाई क्या ही मारा है, स्टार्टिंग के 5-6 राउंड में गए पहले में तो एलिमिनेट हो गए थे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करना, और क्या आप लोगों के सजेशन है कमेंट में वो जरूर बताना, कमेंट में सारे रीड करता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतने हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गाइस लव यू ऑल।